वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए BA फर्स्ट ईयर की जो सोशोलॉजी है उसके कुछ लघु उत्तर प्रश्न कराने वाला हूँ। इस नोट्स का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें कि क्वेश्चन जो आपके लिए कराने वाला हूँ ये 2022 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है जो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं जो हैं उनका आपको संक्षेप में उत्तर देना है, ठीक है? तो प्रमुख सहयोगी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सहयोग। तो सहयोग की प्रक्रिया जीवन के प्रत्येक स्तर पर विद्यमान होती है। जो सहयोग की प्रक्रिया जो होती है वो जीवन के प्रत्येक स्तर पर क्या होती है? विद्यमान होती है। चाहे इसका रूप प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे अप्रत्यक्ष, ठीक है? सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें कुछ व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कार्य करते हैं, ठीक है? सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब वह रूप है जिसमें कुछ व्यक्ति एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ कार्य करते हैं और इस चेतना से प्रभावित रहते हैं कि वास्तव में वे सब एक हैं। यह स्थिति उनमें पारस्परिक सहायता, एकता और त्याग की भावना उत्पन्न करती है, ठीक है? जो सहयोग की आधारभूत विशेषताएं हैं। सेकंड है हमारा समायोजन। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह कुछ समय के लिए अपने व्यवहार में इसलिए परिवर्तन कर लेते हैं जिससे बाह्य संघर्ष को दूर करके समझौते के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। संक्षेप में कह रहा है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन कर लेता है जिससे वह कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्तियों के विरोध को कम करके अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। व्यवहार में सामंजस्य करने की इसी प्रक्रिया का नाम समायोजन है, ठीक है? थर्ड है हमारा सात्मीकरण। सात्मीकरण भी एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है? शाब्दिक रूप से सात्मीकरण का अर्थ किसी गुण अथवा विशेषता को अपने में आत्मसात कर लेना अथवा अपने व्यक्तित्व से मिला लेना होता है। इस अर्थ में सात्मीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं, ठीक है, जैसे आपका रीति है, रिवाज है, खानदान सॉरी खान पान, वेशभूषा, मनोवृत्तियाँ, विश्वासों आदि को तो इस सीमा तक ग्रहण कर लेता है कि फिर दोनों समूहों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं रह पाता। तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपके लिए 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं कराया वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।